दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं मैं उस राजनीति को लेकर कि जो कि जाति और धर्म से ऊपर उठती ही नहीं। आपसे मैं बात कर रहा हूं एक उस राजनीति को लेकर कि जिसके अंदर आखिर क्यों लोकसभा और राज्यसभा के अंदर तमाम नेताओं को, चाहे वो प्रधानमंत्री हों, उपराष्ट्रपति हों, विपक्ष के नेता हों, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों और चाहे विपक्ष के लोग हों, आखिर क्यों उनको अपनी जाति बतानी पड़ जाती है। आखिर क्यों संसद के अंदर खड़े होकर किसी समय प्रधानमंत्री को बोलना पड़ जाता है कि मैं ओबीसी जाति से हूं, और आखिर क्यों फिर देश के उपराष्ट्रपति को कहना पड़ जाता है कि मैं जाट हूं, और फिर क्यों उसके जवाब में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं, अगर आप ओबीसी और आप जाट हैं तो भाई मैं भी दलित हूं, मुझे भी बोलने दो। यानी कि जिस देश के अंदर 3 राज्यों का चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कहते हैं कि देश में कोई जाति नहीं है, देश में केवल 4 जाति हैं, और वो 4 जातियों को परिभाषित करते हैं, एक जाति किसान है, एक युवा है, एक गरीब है और एक महिला है। यानी कि 4 वर्ण बना देते हैं उसके अंदर और कहते हैं युवा, महिला, गरीब और किसान, ये 4 जातियां देश के अंदर हैं। जब इतना सब कुछ है तो फिर आखिर क्यों जरूरत पड़ती है जातिगत आधार पर ये बताने की कि हमने फला मुख्यमंत्री बना दिया, हमने फला मुख्य उप मुख्यमंत्री बना दिया, हमने फला विधानसभा अध्यक्ष बना दिया। बात दरअसल यूं है कि जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, अगर हम यूं कहें कि जाति और धर्म की बात तभी से चलती रही है, लेकिन वर्तमान युग में जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, वर्तमान युग में जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं, तो उस समय के दौर में क्या ये जाति वाली राजनीति और अपनी जाति बताना कहां तक शोभित हो सकता है? क्या राजनीति के अंदर एक बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए लोग अपनी जाति को आगे ला सकते हैं? आपसे इन सारी बातों का जिक्र इसलिए कि आज देश के युवा के अंदर, देश के आम आवाम के अंदर इस बात को लेकर जरूर चर्चा होती है कि आखिर हमारे हुक्मरान क्यों अपनी जाति से अपने समाज को जोड़ करके और एक राजनीति को नई दिशा देना चाहते हैं। अगर बात शुरुआत यूं करें कि भारत के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नारा दिया हुआ था, सबका साथ सबका विकास, उसके बाद एक नारा जुड़ा सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, फिर उसके बाद नारा जुड़ा सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, यानी कि नारे घटते गए। लेकिन जब प्रधानमंत्री लोकसभा में बोलते हैं, जब चुनाव आता है और जब चुनावी राजनीति चलती है, तो जाने क्यों इस प्रकार की बातें सामने आनी शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर खुद प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं, इसलिए मुझे लोग बोलने नहीं देते। और जब ये सब आगे चलते चलते जातिगत जनगणना की बात चलती है, तो उसके बाद फिर एक नया शिगुफा खड़ा हो जाता है। कभी देश के अंदर बहुत लंबे समय तक राज करने वाले परिवार के युवराज यानी कि राहुल गांधी बोलते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जातिगत जनगणना पर काम कराया जाए, जिनके पिता मंडल आरक्षण कमीशन के टाइम पर, आरक्षण प्रणाली के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा मुखर विरोधी थे, वो आ जाते हैं सीधे सीधे उस लाइन पर कि ओबीसी और एससी को हक क्यों नहीं मिलता। और इससे 2 कदम आगे बढ़कर वो तो मीडिया के लोगों से भी, संसद में भी, जहां भी होते हैं, पूछते हैं कि आप में से कितने एससी हैं, कितने ओबीसी हैं। जब हम एक तरफ समतामूलक समाज की बात करते हैं और जब राजनीति के अंदर जाति और धर्म से हट करके बात की जाती है, तो फिर आखिर ये बातें कहां से आती हैं? और उसके बाद जब 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं, उसके अंदर जहां विपक्ष के लोग यानी कि कांग्रेस और दूसरी जो पार्टियां हैं जो विपक्ष में हैं, जब वो एक मुद्दा उठाती हैं कि ओबीसी के साथ में अन्याय हो रहा है, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, सबको उनका जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी वो मिलनी चाहिए, इन सब बातों में चलती हैं, और उसके बाद में चुनाव के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों को जीत जाती है, तो 3 राज्यों की जीत के बाद में प्रधानमंत्री फिर एक बार संदेश दे देते हैं कि देश में जाति नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, किसान, गरीब और युवा और महिला के साथ जोड़ करके एक संदेश देते हैं कि देश में 4 यही जातियां हैं। और उसके बाद में फिर इंसिडेंट बनता है कि जब देश के उपराष्ट्रपति की मिमिक्री होती है, तो उपराष्ट्रपति खुद राज्यसभा के अंदर कहते हैं कि मैं किसान, मैं जाट और राज्यसभा का सभापति। तो राज्यसभा के सभापति वाली बात तो ठीक है, लेकिन उसके अंदर किसान पेशा यानी कि जा और दूसरी जाति यानी कि जाट, इसको जोड़ने की नौबत कहाँ से आ जाती है?
और जब प्रधानमंत्री राष्ट्र उपराष्ट्रपति जी को फोन करते हैं और उसके बाद में जिस प्रकार पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चलता है, पुतला फूको अभियान चलता है, जातिगत राजनीति की बात चलती है, तो उसका क्या संदेश जाता है। और फिर उसके जवाब में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं कि भाई मैं भी दलित हूँ, मुझे भी बोलने नहीं दिया जाता। तो आखिर जा कहाँ रही है राजनीति? आखिर राजनीति के अंदर, जिसके अंदर हम एक संदेश देना चाहते हैं कि 21वीं सदी के अंदर जब विकसित भारत की तरफ हम प्रवेश करें, जब प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाली गाड़ी को गांव-गांव भेज करके एक संदेश देते हैं कि 2047 में भारत विश्वगुरु होगा, भारत सबसे विकसित होगा, तो उसके अंदर आखिर ये जाति की, पिछड़े की, अगड़े की, ओबीसी की, ये वाली बातें सारी कहाँ से आ जाती हैं? लेकिन आज जो है, देश का जो युवा है, देश का जो सुधी मतदाता है, उसके लिए ये बात, ये सवाल यक्ष जरूर हैं, ये प्रश्न बहुत बड़े बन चुके हैं कि आखिर क्यों हमारे हुक्मरान अपनी जाति के नाम पर चला करके और क्या संदेश देना चाहते हैं, आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं, चाहे पक्ष के लोग हों, चाहे विपक्ष के लोग हों, और चाहे फिर संवैधानिक संपदों के साथ जुड़े हुए वो लोग जो कि अपनी जाति के साथ खुद को इंगित करते हैं। अब तक ये तो देखा जाता है कि पीछे गाड़ी पर लिखा हुआ होता है जाति का नाम, उससे भी कहा जाता है, हालांकि उस पर भी रोक लगी, उस पर भी चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, इस प्रकार के जाति सूचक शब्दों को लिखने पर जिसमें कि जाति दर्शाई जाती हो, उस पर सरकारों ने रोक लगाई। लेकिन इसके बावजूद जब हुक्मरान, जब नेता संसद और विधानसभाओं के अंदर खड़े होकर अपनी जाति बताएंगे, तो फिर उसके बाद तो ये सारी जो आप गाड़ियों पर नाम लिखने के, जाति लिखने की बातें करते हैं, रोकने की बात करते हैं, तो फिर ये तो सभी केवल दिखावा मात्र हो जाएंगी। आपको क्या लगता है कि 21वीं सदी के भारत के अंदर, जबकि हम विकसित भारत के एक सोच और स्वप्न के साथ आगे बढ़ रहे हों, उस समय इस प्रकार की, खासकर राजनीतिक जो बड़े नेता हों, प्रभावशाली लोग हों, उनके द्वारा अपनी जाति का प्रदर्शन करना किस हद तक ठीक है, और क्या जाति और धर्म की राजनीति भारत को उस मुकाम तक ले जा पाएगी जिसके अंदर कि वो एक विकसित राष्ट्र के रूप में खुद को संस्थापित कर सके? और आखिर क्या ऐसा नहीं लगता कि जो हुक्मरान हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हैं या विपक्ष के हैं, वो जाति और धर्म के नाम पर लड़ा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। देखते रहें देश रोजाना।